मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी मेथड की बात की थी फॉर द वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ रिजिड बॉडी मैकेनिज्म. इमीडिएटली आफ्टर दिस मेथड वी आर गोइंग टू मूव टू एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी. और जैसा मैंने कहा कि ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है इसको फिलहाल हम अभी साइड पे कर देते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम. प्रोबेबली अगर हमें नेक्स्ट वीक टाइम बचा तो हम इस मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे. अदरवाइज वेलोसिटी एनालिसिस के लिए एटलीस्ट एक मेथड भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं. ये बेसिकली वेक्टर मेथड है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, जबकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इट इज़ अ स्केलर मेथड, जो कि आप अगेन मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स का कोर्स जो है उसमें भी पढ़ेंगे दोबारा. तो अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं मिला तो आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के कोर्स में भी इस मेथड को जो है वो पढ़ रहे होंगे. ओके, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ अ रिजिड बॉडी मैकेनिज्म. सिंस वी आर स्टडिंग द प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी और उसमें हम जनरल प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं, जनरल प्लेन मोशन में हमने वेलोसिटी का देखा कि किस तरह हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं, इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे हमें रिलेट करनी है, कैसे हमें डिटरमिन करनी है उस रिजिड बॉडी की जो कि जनरल प्लेन मोशन कर रही है, हमने किस तरह उसकी एक्सेलरेशन को रिलेट करने है, थोड़ा से इस हवाले से बात करते हैं. ओके, द एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस. हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो सपोज एट टाइम टी के ऊपर दिस रिजिड बॉडी इज शोन टू यू इन दिस पोजिशन, कि ये उसकी पोजिशन है, ये उसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी. एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी लेट्स सपोज दैट दिस रिजिड बॉडी हैज मूव्ड टू इट्स न्यू लोकेशन जो कि यहाँ ब्लू से शो की गई है. ये आपके पास पॉइंट ए आ गया है, ये आपके पास पॉइंट बी आ गया है. सो सिंस पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी हैव अंडरगॉन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, देयरफॉर दिस रिजिड बॉडी हैज गॉन जनरल प्लेन मोशन जिसमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हुई है. इस जनरल प्लेन मोशन को हमने अपनी एनालिसिस के लिए जब हम वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे तो क्या अजम्पशन कर ली थी कि हमने इसको इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था. हमने कहा था कि एट सबसे पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट कर गई है बाय दिस मच ऑफ अमाउंट व्हिच इज शोन टू यू हियर, और उसके बाद ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी अपने बेस पॉइंट के अबाउट दिस मच ऑफ थीटा जो है वो रोटेट कर गई. सो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन and rotation is being broken down into its translatory component as well as rotational component. So the relative velocity equation was written as vb equal to va plus vba, where vb and va represents the absolute velocities of points a and b, and vba represents the relative velocity of b with respect to a. Now in order to perform the acceleration analysis, we are going to differentiate this equation with respect to time. So differentiating this equation with respect to time, the first term would become dvb over dt, the second term would become dva over dt, and the third term would become dvba over dt. Now as far as this dv over dt term is concerned, this would be the absolute acceleration of point b, so we have replaced this dv over dt by ab. Similarly, this second term which is dva over dt would become absolute acceleration of point a. As far as this third term is concerned, this would become the relative acceleration of b with respect to a. So ye to simple wo differentiation aa gayi. Ab isme agar hum is general plane motion ke hisab se dekhen to kya ho raha hai ki aapke paas ye component jo acceleration ka hai, it basically represents the translational कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के. इस जनरल प्लेन मोशन में जो ट्रांसलेशन हो रही है इस रिजिड बॉडी में वो ये ए ए रिप्रेजेंट करता है, यानी पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है बाय एन अमाउंट ए ए विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज ए ए, एंड दिस ए बी ए इज बेसिकली कवरिंग द रोटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन. सो अगर मैं रोटेशनल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो सिंस पॉइंट बी इज इन प्योर रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, सो प्योर रोटेशन के केस में एक्सेलरेशन वेक्टर किसके बराबर होता है, कुछ याद है रोटेशन वाला केस? अल्फा क्रॉस आर. सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज अल्फा क्रॉस आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द अदर वन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर व्हिच रिप्रेजेंट्स द normal component of acceleration. So overall the acceleration would be alpha cross r minus omega square r. So accordingly
हमने किया क्या है कि चूंकि ये रोटेशनल एस्पेक्ट्स को ए बी ए कवर कर रहा था, इसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. द टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, द नॉर्मल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. सो आवर रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वेशन फॉर अ रिजिड बॉडी अंडरगोइंग जनरल प्लेन मोशन वुड बिकम ए बी वैक्टर शुड बी इक्वल टू ए ए वैक्टर प्लस एल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर. सो दिस equation is going to be applied on any rigid body which is undergoing general plane motion in order to relate A and alpha with each other. Is this point clear to all of you? Okay, now if we take a closer look at this relative acceleration equation, it involves this omega as well. What is omega? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस लिंक ए बी के, कितनी इसमें रोटेशन हो रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेशन हो रही है. इट मींस के इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सेलरेशन एनालिसिस इट इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव नोन दिस ओमेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन का और उसमें ओमेगा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू परफॉर्म द वेलोसिटी एनालिसिस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस ओमेगा. Once this omega is known to you, only then you can apply the relative acceleration equation. Is this point clear to all of you? Yes, sir. So अभी हमारी जो अगले हम एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जिसमें ओमेगा नोन होगा हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ओमेगा नोन नहीं होगा उसमें पहले हम थोड़ा सा वेलोसिटी एनालिसिस करके ओमेगा फाइंड करेंगे. तो एक तरह से आपके जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसकी रिविजन हो जाएगी और साथ साथ फिर हम ओमेगा जब फाइंड हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे. इसमें अगेन आपने ए को बेस पॉइंट बनाया है अपने सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से. जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए बेस पॉइंट आप हमेशा उस पॉइंट को बनाएंगे जिसकी एक्सेलरेशन आपको नोन होगी. तो जिस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन नोन हो उस रिजिड बॉडी में उसको आप बेस पॉइंट बना लेंगे और उसके रेफरेंस से दूसरी पॉइंट की एक्सेलरेशन आप जो है वो लिख रहे होंगे जिस तरह आप वेलोसिटी के केस में करते रहे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?